गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड्स, आज अपन देखेंगे पार्ट्स ऑफ कंपोजिट सेक्शन। इससे पहले अपन ने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन किया था, पार्ट्स ऑफ होमोजीनियस सेक्शन का और पार्ट्स ऑफ डिफरेंट सेक्शन का, उसके न्यूमेरिकल्स भी किए थे। तो आज अपन देखेंगे पार्ट्स ऑफ कंपोजिट सेक्शन। तो कंपोजिट सेक्शन क्या होते हैं? कंपोजिट सेक्शन में फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर बार्स ऑफ इक्वल लेंथ बट ऑफ डिफरेंट मटेरियल, रिजिडिटी एंड फिक्सिटी, सो एज टू एक्ट एज वन यूनिट। जो कंपोजिट सेक्शन होते हैं वो दो या दो से अधिक बार्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, जिनका मटेरियल अलग होता है, डिफरेंट मटेरियल के होते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि आयरन और एल्यूमिनियम को आपने मिक्स कर दिया, दो बार्स अलग अलग मटेरियल के, उनको कंफाइन करके एक कंपोजिट बार बना दी, तो वो कंपोजिट सेक्शन कहलाएगा। आपने वैसे आरसीसी देखा होगा, उसमें कंक्रीट और स्टील बार्स होते हैं, तो उसको कंबाइन कर दिया तो वो कंपोजिट सेक्शन हो जाएगा। तो इन कंपोजिट बार द फैक्टर्स आर कंसिडर, दो फैक्टर्स आपको इसमें कंसिडर करने हैं। सबसे पहला है कि द चेंज इन लेंथ इन ईच बार एंड द करेस्पॉन्डिंग स्ट्रेन इज इक्वल। दोनों बार्स में जो लेंथ में चेंज आएगा या स्ट्रेन में चेंज आएगा वो इक्वल होगा। मान लो एल्यूमिनियम और स्टील की दो बार्स हैं, तो जो एल्यूमिनियम में चेंज आएगा जितना, उतना ही उसमें स्टील में आएगा। द एक्सटर्नल लोड इज शेयर्ड बाय द बार्स बेस्ड ऑन देयर मटेरियल प्रॉपर्टी। और जो एक्सटर्नल लोड आएगा वो भी दोनों पे इक्वल आएगा। इक्वल मतलब कि जो एल्यूमिनियम पे आएगा और स्टील पे आएगा, दोनों का सम इक्वल टू टोटल लोड होगा, मतलब पी इक्वल टू P1 + P2। तो ये आपको दो प्रिंसिपल ध्यान रखने हैं, इसके बेसिस पे आप आगे करेंगे। तो ये आपका है कंपोजिट सेक्शन। इसमें आप देखिए बार वन और बार टू है, इस पे आपका लोड लग रहा है P, तो इन पे कंबाइंड लोड P लग रहा है। तो वन और टू पे जो लोड आएगा P1 और P2, उन दोनों का सम होगा P के बराबर, और जितना चेंज वन में होगा उतना ही चेंज टू में होगा, तो del L1 = del L2 होगा। तो अब स्ट्रेस इन कंपोजिट बार कैसे निकालते हैं वो आप देखते हैं। तो अपन ने ये एक बार ली है, सॉलिड बार, डायमीटर जिसका डी है, इसकी लेंथ एल है, यंग मॉडुलस ई है। तो अपन डायरेक्ट आते हैं डेरिवेशन पार्ट पे। तो वी नो दैट लोड ऑन द बार P = P1 + P2। लोड बार के ऊपर है P1 और P2, बराबर टोटल लोड हो जाएगा। अब स्ट्रेस क्या होती है आपकी, सिग्मा वन हो जाएगी P1 / A1, और स्ट्रेन हो जाएगी small E1 = σ1/E1। आपने रिलेशन देखा था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो वहाँ से रिलेशन बना था कि स्ट्रेस / स्ट्रेन = E। तो यहाँ से small E हो जाएगा स्ट्रेस / E1। तो सिग्मा वन की जगह आपने रख दिया P1 / A1 E1, और इलांगेशन की जगह आपने रख दिया, चेंज इन लेंथ हो जाएगा अब आपका E1 × L। भाई स्ट्रेन आपका होता है del L / L, तो वहाँ से आपका del L हो जाएगा स्ट्रेन × लेंथ। तो अब स्ट्रेन अपन पहले वाली इक्वेशन P1 / A1 E1 पुट कर दी और × L पुट कर दिया, तो इलॉन्गेशन ऑफ बार टू क्या हो जाएगा, वही P2L / A2 E2। सिंस बोथ इलॉन्गेशन आर इक्वल, देयरफॉर इक्वेटिंग 2 और 3 वी गेट, दोनों बार्स में del L1 = del L2 होगा, तो इसको अपन इक्वेट कर देंगे तो ये हो जाएगा P1L / A1 E1 = P2L / A2 E2। तो यहाँ से आपका P2 आ जाएगा P1 × A2 E2 / A1 E1। बट अपने पास एक इक्वेशन है कि पी टोटल लोड इक्वल टू P1 + P2, तो P1 + P2 की जगह आप जो वैल्यू आई P1 A2 E2 / A1 E1 पुट कर देंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा P1 = P × A1 E1 / A1 E1 + A2 E2। इसी तरह से P2 हो जाएगा P × A2 E2 / A1 E1 + A2 E2। तो इस इक्वेशन से अपन लोड्स निकाल सकते हैं बार वन और बार टू के अंदर, अगर अपन को टोटल लोड गिवन हो तो।
तो इसी तरह से आपको ये पता है कि ये पी वन अपॉन ए वन ई वन इक्वल टू पी टू अपॉन ए टू ई टू मीन्स डेल एल वन इक्वल टू डेल एल टू अपन ने किया था। तो इस इक्वेशन से आपका आ जाएगा ई वन अपॉन ए वन हो जाएगा सिग्मा वन अपॉन ई वन इक्वल टू सिग्मा टू अपॉन ई टू। स्ट्रेस के फॉर्म में रख दिया अपन ने पी अपॉन ए को, तो यहाँ से आपका सिग्मा वन हो जाएगा ई वन अपॉन ई टू इंटू सिग्मा टू, और सिग्मा टू हो जाएगा ई टू अपॉन ई वन इंटू सिग्मा वन। तो ये आपको इक्वेशन ध्यान रखनी है सिग्मा वन और सिग्मा टू की। फ्रॉम अबव इक्वेशन वी कैन फाइंड स्ट्रेस इन डिफरेंट मटेरियल। अब इस इक्वेशन से आप स्ट्रेस निकाल सकते हो डिफरेंट मटेरियल में। वी ऑल्सो नो दैट टोटल लोड पी इक्वल टू पी वन प्लस पी टू इक्वल टू सिग्मा वन ए वन प्लस सिग्मा टू ए टू। तो ये आपका एक और इक्वेशन बन गई कि टोटल लोड इक्वल टू सिग्मा वन ए वन प्लस सिग्मा टू ई टू। तो आपको ये तीन इक्वेशन ध्यान रखनी है, एक तो पी इक्वल टू पी वन प्लस पी टू इक्वल टू सिग्मा वन ए वन प्लस सिग्मा टू ए टू, और एक ये सिग्मा वन इक्वल टू ई वन अपॉन ई टू इंटू सिग्मा टू, सिग्मा टू इक्वल टू ई टू अपॉन ई वन इंटू सिग्मा वन। और तीसरी ये आपको रखनी है पी वन और पी टू की, जो है पी इंटू ए वन ई वन अपॉन ए वन ई वन प्लस ए टू ई टू, और दूसरी है पी टू इक्वल टू पी इंटू ए टू ई टू इंटू ए वन ई वन प्लस ए टू ई टू। तो ये तीन आपको फॉर्मूलेज, एक तो लोड के लिए हो गया और एक स्ट्रेस के लिए हो गया, ये याद है। आइए एक न्यूमेरिकल देखते हैं अपन। अ रेनफोर्स कंक्रीट सर्कुलर सेक्शन ऑफ 50,000 mm स्क्वायर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया कैरीज सिक्स रेनफोर्सिंग बार्स हूज टोटल एरिया इज 500 mm स्क्वायर। फाइंड द सेफ लोड द कॉलम कैन कैरी इफ द कंक्रीट इज नॉट टू बी स्ट्रेस मोर देन 3.5 MPa। टेक मॉड्यूलर रेशियो फॉर स्टील एंड कंक्रीट एज 18। अब आपको ये कह रहा है कि आरसीसी का एक सर्कुलर कॉलम है, तो आरसीसी में दो चीज़ें होंगी आपके, एक तो कंक्रीट और एक स्टील। तो यहाँ पे टोटल एरिया आपको दिया हुआ है सर्कुलर सेक्शन का 50,000 mm स्क्वायर, और सिक्स जो बार्स हैं स्टील की उसका एरिया दिया है 500 mm स्क्वायर। तो आपको सेफ लोड लोड निकालना है पी, जो ये टोटल कॉलम सहन कर सकता है। अगर कंक्रीट में स्ट्रेस दी हुई है 3.5 MPa, मतलब 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मॉडुलर रेशियो होता है आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का रेशियो स्टील और कंक्रीट का दिया हुआ है ES/EC इक्वल टू 18। तो ये चीज़ें आपको गिवन है, तो आप गिवन को लिख लेंगे एक साथ। एरिया ऑफ कॉलम 50,000 mm स्क्वायर, नंबर ऑफ बार 6, टोटल एरिया ऑफ स्टील बार AS इक्वल टू 500 mm स्क्वायर, मैक्सिमम स्ट्रेस इन कंक्रीट सिग्मा सी 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, मॉडुलर रेशियो ES/EC इक्वल टू 18। तो ये आपको गिवन है। अब वी नो दैट एरिया ऑफ कंक्रीट, एरिया ऑफ कंक्रीट क्या हो जाएगी, जब टोटल एरिया में से अपन स्टील बार्स का एरिया रिड्यूस माइनस कर देंगे तो आपका बचेगा एरिया ऑफ कंक्रीट। तो 49,500 mm स्क्वायर आपका हो गया एरिया ऑफ कंक्रीट। एंड स्ट्रेस इन स्टील क्या हो जाएगा, अब आपने वो इक्वेशन देखी थी सिग्मा वन इक्वल टू ई वन अपॉन ई टू इंटू सिग्मा टू, तो उसी को यूज़ करेंगे। यहाँ पे सिग्मा एस निकालना, तो सिग्मा एस इक्वल टू ई एस अपॉन ई सी इंटू सिग्मा सी। तो ई एस अपॉन ई सी आपको दिया हुआ है 18, सिग्मा सी दिया हुआ है आपको 3.5, तो इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे 18 × 3.5, तो ये हो जाएगा आपका 63 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो अब आपका सिग्मा एस आ गया और सिग्मा सी आपका पहले ही था, सिग्मा एस पता है, सिग्मा सी पता है, ए एस पता है और ए सी पता है। तो अपने पास एक रिलेशन है पी इक्वल टू सिग्मा एस ए एस प्लस सिग्मा सी ए सी। इस रिलेशन को यूज़ करेंगे, पी इक्वल टू पी वन प्लस पी टू वाला रिलेशन है, तो यहाँ पे टोटल लोड अपना निकल जाएगा। तो सिग्मा एस 63 × 500 प्लस 3.5 × 49,500 न्यूटन। इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपना आ जाएगा 204.750 न्यूटन। तो किलो न्यूटन के अंदर आंसर हो जाएगा 204.75 किलो न्यूटन। तो इस तरह से आपको इसमें सेफ लोड निकाला अपन ने 204.75 किलो न्यूटन। तो इसके अंदर अपन ने दो फॉर्मूले यूज़ किए, एक तो स्ट्रेस वाला सिग्मा वन इक्वल टू ई वन अपॉन ई टू इंटू सिग्मा टू,
और दूसरा अपन ने पी इक्वल टू सी पी वन प्लस पी टू वाला, जिसमें यह था कि सिग्मा वन ए वन प्लस सिग्मा टू ए टू। तो इन दोनों फॉर्मूले को यूज़ करके अपन ने इसको सॉल्व किया। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम पे अपन और न्यूमेरिकल करेंगे।